अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट वीना मलिक एंड वेलकम टू मस्तियाँ। हर काम की तरह ख्वाहिशें भी वक्त पर पूरी हों तो ही अच्छी लगती हैं। अगर किसी ने 25 साल की उम्र में फ़रारी हासिल करने की ख्वाहिश की हो और वही फ़रारी उसे 75 साल की उम्र में मिले तो फिर वो बेचारा क्या करेगा। मगर वो कहते हैं ना कि साइकिल पर बैठकर रोने से बेहतर है कि बंदा फ़रारी में बैठकर रोए। पूरी दुनिया की बादशाहतें ख़त्म कराने वाले बरतानिया ने अपने शाही ख़ानदान को ऐसे संभाल कर रखा हुआ है जैसे महकमा जंगली हयात तेंदुए की नस्ल को बचा कर रख रहा होता है। प्रिंस चार्ल्स किंग तो बन गए, मगर किंग बनकर क्या वो खुश हैं? आइए देखते हैं। अस यार मनावना है हमें सिर दी बाजी लग जावे, यो गठड़ा चावना है। Excuse me, ये क्या बात है? आप सिक्योरिटी पे हैं यहाँ पर? और ऐसे थे बाबू बैठ डाले हैं। ये इतना बड़ा एक तो पैलेस है, उसमें सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड और वो भी गाने गा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी पुरसुकून बड़े हैं। आपका मुंह भी टेढ़ा बिल्कुल ऐसे हो रहा है, आप तो मुझे खान साहब लग रहे हैं कोई। कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ जब तक वो माई थी तब तक यहाँ चीज के चाड़ा पड़ा रहता था। माई से मुराद आपकी मलका एलिजाबेथ? आप बिल्कुल सही पहुँची हैं। असा यार मनावना है Here comes the king and the queen, हमें सिर दी बाजी लग जावे, यो गठड़ा चावना है, यो गठड़ा चावना है, हमें सिर दी बाजी। आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं? बादशाह सलामत, प्लीज वेलकम वेलकम। तुहाडे आउण दी खुशी जैसे ढोले माईए गांदे असी। अज मैनू लगदा कि इत्थे अम्यूरी बैठे। अम्यूरी? ये वहम है तुम्हारा, वहम है। कमिला मैनू लगता कि अम्यूरी इत्थे बैठे ने, उन्हें किते इधरों आके मैनू कहणगे चार्ल्स कान फड़ ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सच? हाँ। बैठा दे। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। किंग चार्ल्स, इतना टेस्ट है आपका, ये क्या बेसुरे गवैये रखे हुए आप। कमिला जदों दा हैरी मैंने धोखा करके गया ना, मेरा दिल नहीं लगता। मेरा मुंडा उसे अमरीका लैंड च लग के बर्गर लै रहे, डिशवाशर हो गया उसे जाके। किंग चार्ल्स, मुझे लगता है कि हैरी की वजह से आप बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। मेरे ने धोखा किया। क्या हुआ? मैंने पहले दस दे कि मैं इहदे शो जाना तो मैं कभी इत्थे आंदा ही ना। मेरा शो? तू मेरे पैलेस वड़ी किवें में? ये मस्तियां हो रहा है, मैं आपका पैलेस कवर करने आई हूं। मस्तियां ही करनी सी, तू पहले भी मेरे मुंडे हैरी ने मस्तियां कीतियां ने। मैंने? मेगन, मैं तेन पछाण लिया। किंग, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी? और मेरे यहाँ होते हुए डायना का नाम लेने वाली तुम डायन होती कौन हो? चली गई, टुर गई, छड़ दो। उसी उन्होंने तो जिक्र ना करे करो, मैंने तकलीफ होती है। आपने भी तो उसको बहुत तकलीफ दी थी। उन्होंने को मेरा हक से जिंदगी में देती। 70+ ईयर्स इंतजार करना बादशाहत के लिए बड़ा तकलीफ दे रहा होगा ना आपके लिए। जो शदीद बीमार होंगे सन। अच्छा। तो मैं उदन ही वर्दी पा लेना सन। फिर कोई ना कोई वाकफ रिश्ता निकल आता छड़ जाता। अच्छा, मैंने सुना है किंग, मेगन के साथ आप लोग बड़ी डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसलिए वो हैरी को लेके चली गई यहाँ से। ये की तैसी होते ना। बुरा सा लोग करते थे उसके साथ। मुंडा उन्हें पुट लिया है, तू भी इत्थे ते मैं भी इत्थे, याद रखी मैं मॉर्गन फ्री मैन नूं कहा कि उन्हें चपेड़ा ना पाइया ते मेरा ना किंग ने। क्यों? उन्हें मेरा हैरी पुटिया है। मैं विल स्मिथ नूं कहा कि उहदा कुत्ता ना उन्हें पाया। मेगन नूं ते मेरा ना किंग ने। मैं मेगन नूं फ्लैंग किकां पाउणियां सैमुअल जैक्सन नूं कहा। ये सारे मेरे ताबेदार ने। इतना गुस्सा? मैं कतर के दौरे पर गया, ए बादशाह सलामत ने तोहफा दिता सी, उन्हें डब्बा जब मैंने फड़ाया, मैं आके खोलिया तो बिचों ये निकलिया। क्या बात है। कमेला, मैं तेन कई बार क्या इन तोशाखाना च जमा करा दे, बाद च असीं कित्थे हिसाब देंदे फिरांगे। आपके पास भी तोशाखाना है? साडे कोल जिहड़ा शोशाखाना, साडे कोल पागलखाना, साडे कोल शराबखाना, साडे कोल गुसलखाना। इहदा खाना खराब होवे मैनूं याद नहीं, जिहड़ा ने याद कराया। साडे कोल बर्चीखाना भी अपना ही है जनाब। मेरा बड़ा वफादार है। इसके साथ तो बहुत ही प्यार है, पता नहीं ऐसा क्या किया है। बेजरर है भी, पूरे सेगमेंट ना ने परफॉर्मेंस देनी ना कोई गल करनी, पूरे दिन मैं प्यार भी ना करा। मेरी परफॉर्मेंस तो तुसी रोक देंदे हो, तो मां की करनी है। अच्छा, ये आपके दिल में मेगन और हैरी के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड है ना? ऐसे तो औरतें बिहेव करती हैं, आप किंग हैं, दिल बड़ा करें। मैं उन्हें माफ नहीं करांगा मेगन। क्यों? देखो जी, मेरी वालदा जो मरी है, बहुत लेट हो गई थी अम्मी जी, वो जो तो मरी थे वो तो मियाँ बीवी दोवें आए नहीं थे। हाँ आए। और जो हैरी है वो तो कम सी भी इतने जनाजे के कोल आके खलोंदा और पर बड़े गेट कोल खलो के कला सिगरेट पींदा रहे। वो जी मेगन है वो फिक्की एक्टर मैं तुहानू दसा जिहदी 2 हफ्ते फिल्म नहीं कढ़दी वो कहती मैं तेरे पुत्र ने सारी जिंदगी कढ़ांगी। इतने मेरी माँ के जनाजे से आकर रोई है। हाँ। दिलों नहीं रोई इंज करके उन्हें पहले ग्रैसलिन जी लाई है फिर अथरू जे सुटे। मेगन की दादी सासी इतने जनाजे से कोल खलो के बहन पाती कि मैं जनाजा नहीं जान देना मैं दादी के नाल ही जाना। आजकल के बच्चे हैं किंग इतना नहीं रोते। वो 1-2 बारी कहती शायद मेरा दिल नरम पै जाता। मैं तो 5 घंटे अम्मी के कोल बैठा रहा अफसोस में नहीं कि फिर उठ के ना बह जाना। डायना आपकी जिंदगी में थी और आप उस पर चीट करते रहे। कितनी बुरी बात है ना। आपको जरा ख्याल नहीं आया उसकी मोहब्बत का? नहीं बिना ये गलत है। डायना दी बेवफाइयों तो बात फिर मैंने अपना पहला इश्क याद आया। हाँ। इतने मासूम ना बने आपने बहुत इश्क किए हैं। वे मैं की सुन रही हूं। ये सुनन तो पहला ये बकिंघम पैलेस टूट क्यों नहीं गया? मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं किया चार्ल्स। मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं किया। मैं की पे इस बेटा चार्ल्स तेरे मिलने नहीं। मैं तेरा फिटे मुंह मैं अपने घर दे छड्डे। मैं रोटी कपड़ा छड्डिया मैं सब कुछ छड्डिया ते तू क्यों जी हरकत कर लग है? तू किसे होर नाल प्यार कर तुसे। एक मिनट मैं दसो सी। हां जी ये काम लाईया मैं किसी बड़ी उम्र दे कसाई ना ब्याह कीता। ये मुझे आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो डायना में नहीं थी और कैमिला में आपको मिली? क्या है इसमें? ये जो तुम्हारी जेलसी फूट फूट के बाहर आ रही है ना ये मैं देख रही हूँ वीना। वैसे ना 2 बच्चे फर्क है कि ये मैंने लड़ पे थे महल तो बाहर नहीं जाती। वो जो लड़ती सी फिर किन्ने किन्ने दिन महल तो बाहर निकल जाती सी। देखा मैंने कोई दसदा सी पेरिस फिरन डई है कोई कहता कल असी बेल्जियम वेखी है कोई कहे उसे टावर को खड़ोती छली खान डई सी। तो जो मेरी अम्मी को पता लगता फिर अम्मी मैंने बेइज्जत करती सी। मैं तू ढिल्ला मैं चार्ल्स तू ढिल्ला ए तेरा बुढ़ी ते जोर नहीं चलता चुडुआ तू थले लगा डायना दे थले लगा। वीना yes? मेरा आपसे एक सवाल है क्या आज के इस दौर में 2023 में क्या इस पैलेस की कोई वैल्यू है? अरे मैं सदके जावा कालियां फिल्मां च जे कुड़ियां सी वे बाबला दरवाजा बंद कर दे तेरी धी दी डोली नहीं होवानी नहीं होवानी नहीं होवानी। बस कर दो फराज। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत का इकरार ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ओके लेट मी आंसर हर क्वेश्चन। ये भी बकिंघम पैलेस की हैसियत पूछनी भी है कि नहीं है? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਮੇਂ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਸੋ ਇਸकी कोई खास अहमियत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से इन्होंने ये मेनटेन किया हुआ है सारा सिस्टम दैट्स क्वाइट इनक्रेडिबल। यानी कि जब मैं बनया तो अहमियत खत्म हो गई। ये ना कमरा वैसे नहीं करना ना मेरी बहुत देर ना कह। पूरी दुनिया में तो आप लोग बादशाहत के खिलाफ हैं और इधर बादशाही सिस्टम अभी तक चल रहा है। उसी कल्ला कल्ला करके मुल्क छड़ी भी तो गया ना। मेरी अम्मी ने कितने मुल्क आजाद किए थे असं आजाद हो चुके हैं। पुत्र वेखो महल च असी 4 जने हैं 5वां दिन कोई आया नहीं जी। हुण तक तो एक बंदा कोई वादू नहीं आया। मेगन और हैरी आने वाले हैं मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ। वेला हल्का डांस हो जाए। तुम इतना डांस क्यों करते हो? मैंने ताकि एहसास रहे मेरे को हाथ पैर सुताते नहीं। अच्छा 60s में शाही खानदान को मुस्बत लाइट में दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था रॉयल फैमिली। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से शाही खानदान क्रिसमस ट्री सजाता है बच्चों को सैर पर लेकर जाता है बारबेक्यू करता है। तो इस फिल्म का फ़ायदा ये हुआ था कि इस फिल्म ने एक्चुअली बहुत अच्छा किरदार अदा किया था उस शोहरत को बहाल करने के लिए जो शाही खानदान की खो गई थी। तो दिस वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। गार्ड्स जी ये योहान है। आज का हमारा प्लानर क्या है? आज सबसे पहले बादशाह सलामत ने ग्लास को पाना सीटा ने खोखे का इफ्तिताह करना है। उसके बाद इन्होंने मैनचेस्टर आना है और उसे चिप्स की दुकान का फीता कटना है। उसके बाद इन्होंने बर्मिंघम जाके एक जनरेटर नु किक मार के स्टार्ट करना है। तो मेरी मसरूफियत लख लान तुहाडे याद रखो। आखिर में इन्होंने एक शाही बतख के बच्चे को गुड़ती देनी है। पत्थर मैं फेस नहीं कर पाता जी। क्यों? वेख के मैनू रोन लग पैंदियां ने पाँच मलका किथे वे पाँच मलका किथे वे। तो मलका है जी खाना खावांगे मैं हाथ बन के खलो गया मैं बड़ी मुश्किल ना गई फिर क्यों सदन गया। अच्छा आपकी मिजरी से मुझे याद आया कि जिस तरह से क्वीन ने अपने क्राउन को एंजॉय किया था ना आप भी कर रहे हैं या नहीं? देखिए ना पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए क्वीन को तो पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। आपके साथ भी ऐसा मामला है? मेरा तो पहला पासपोर्ट ही जाके 45 साल की उम्र च बड़े है। जो मैं खटमंडू जाना सी। अच्छा खटमंडू इसलिए मैनू साधे भी वो मुल्क जेड़े सारे जलजले वाले ने। अच्छा चलो पहले तो आप बादशाह नहीं थे ना, तो आपने बड़ी मजबूर दुखी जिंदगी गुजारी, अभी आपको क्या क्या लग्जरीज मिली हैं? इंडिया दा मुंडा जेड़ा साडा वज़ीर आज़म हो गया, हां हां ऋषि सुनक, ये सोनक जेड़ा मेरा ख्याल है कि उस पैनक फैलाना चाह रहा है, ये कोई साडे हक च नहीं। कोई बात नहीं, आ रहा है खुद ही बात कर लेते हैं, उसने यहाँ रहना है कि नहीं। अब कौन बार अकाउंट का आते फिर बार मैं तो टीवी जी वेखन दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो किंग, इधर है तुम्हारा विंग, हैव योर सीट। मिस्टर एंड मिसेस ऋषि सुनक, राइट? यस यस। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ की हाल ने थोड़े? बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी तो पंजाबी बोलते हो। जी जी। पंजाबा ना ते पंजाबी विच गल करांगे ना। ओ वाओ। जी जी। असि तैनू बरतानिया दा वज़ीर आज़म बनाता, तू स्ट्रगल करने वाले बूढ़ नहीं लाए। लोकां नू खुश करी जाने ते इतने शाही खानदान तेरे तो बहुत तंग है। क्यों? और तेरे तो पहले दो वजीर आजम का तू सिर लै गया मनु साहब। एक जॉन्स बोरसन चंगा होंदा सी मुंडा, बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन देखिया तो सिर खुले झाड़ू वर्गा दा सिर। वो दूरों आंदा इंज लगदे नसीबा नू अग लगी। वो पागल जिहा साइकिल ते दफ्तर आ जांदा सी। एक दिन मैनू फोन करके कह रहा कि मेरा साइकिल बाहर खड़ोता कोई चैन ला गया। और लिज ट्रस, राइट? ओदा भी सिर लै गई। सुला लेना मेरा बंदा जी। ओनू मैं कहंदा रहा जॉनसन, मैं ध्यान कर तेरे अदम तबाद का वोट लोगों ने ले लेने। एक उन्हें नहीं मनी तो पाकिस्तान के इमरान खान ने नहीं मेरी मनी। हम दोवें बाहर बैठे पछतान डे ने कि नहीं पछतान डे। सियाण का क्या तो औलिया का खादा बाद याद आता है। अच्छा। लिख लो प्रिंस दी गल्लां। तुसी किंग किंग क्यों अब तक तुम मान नहीं रहे कि तुम किंग हो गए हो? हाय किस उम्र च आके किंग होए हो? सारियां सहूलतां मेरे सामने पर मैं हुण इस्तेमाल नहीं कर सकता। आहा हाय हाय ताड़ी बुटी दा की हाल हो गया। बड़ा मोटरसाइकिल चलाने दा शौक सी। हां किते दिल करे तो किक मारनू बंदा लभदा फिरना होना। किंग ए ताडे ब्रिटेन नु दोबारा ग्रेट ब्रिटेन बनाना चाह रहा है ते एदे वास्ते ताडी मदद दी जरूरत है। एनु की पता होए कल जमी गिदड़ी अज होया विआह। ऐसी ग्रेट ब्रिटेन की हुंदे सा की हुंदे सो। वैसे मेरी अम्मी दसदी हुंदी सी कि सवेरे घोड़ा दौड़दा ते शाम सूरज डूब जांदी, साडी जमीन नहीं सी मुकदी हुंदी। मेरी अम्मी ने मेरे नाना जी ने दसिया सी, उन्होंने कहा साड़ी हुकूमत सूरज नहीं गरूब होया, फिर साड़ी हुकूमत चो सूरज चढ़दा सी ते साड़ी हुकूमत सूरज गरूब होंदा सी। हुण जदों मेरी वारी आई है पिंडी पैदा हल्की जी धुप सेकण लगना तो सूरज शुम हो गया। मिसेस ऋषि आपको कैसा लगता है? आपका हस्बैंड एक NRI है और एक्चुअली इसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक है ना पीछे से। उन्होंने की लेना ना लोग प्राइम मिनिस्टर बन गया। देखो जी इन्हां दी मेहनत है, अपने मुल्क नाल प्यार करते हैं, इंसानियत नाल प्यार करते हैं, हर उस शख्स नाल प्यार करते हैं जिन्होंने इन्हां दी लोड़ है। जी जी। मेघन निकल जा, आउट मेघन, गेट आउट, कम हियर फ्रॉम माय पैलेस, गेट आउट। जस्ट अ सेकंड किंग प्लीज। मैंने मेरा मेरे को हैरी खोया। हाय क्या इसी सलूक की वजह से मेघन ने घर छोड़ा? डोंट ट्राई टू टच मी। मैं यहाँ पर कदम भी नहीं रखना चाहती। मैं तो इस महल को उस दिन ही भूल चुकी थी जब आपने हमें यहाँ से जलील करके निकाला था। ये तू एडी अच्छी आर्टिस्ट नहीं, तेनू डायरेक्टर नहीं रखता, तेनू प्रोडक्शन मैनेजर रखांदा है। इथे ऐसी वेरिएशन ना दे मेरा मुंडा लिया। मेगन टेल मी वन थिंग, प्रिंस हैरी को तो ले गई हैं, अब और क्या रहता है इस पैलेस में आपका? बस की रह गई इस महल च ना दो बुजुर्गों के अलावा कूड़ा कचरा। मैं जानती हूँ कि आपने महल की जमीन के नीचे खजानों के खजाने छुपा के रखे। अच्छा। मैंने खुद अपनी आंखों से दादी सास को वो सारी डिटेल्स पेपर पर लिखते हुए देखा था। मैंने भी चिड़ते शक से ताला तोड़ के जो मैं चिटकड़ी अम्मी रंदी दमे दी दवाइयां लिखी सर का खरीद कसुर जी जितना भी कॉमेडी करके बात को इधर उधर टाल लें, लेकिन मैं आज अपना हक इस पैलेस से लेकर जाऊंगी। मेघन 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 जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। समझाएं ससुर जी को। मेघन तू जड़ी बकिंघम पैलेस हैरी फेरी करनी सो कर ली, उन्हें तो तेरे कुछ नहीं मिलना। मैं भी देखती हूँ कि मेघन को उसका हक कैसे नहीं मिलता। योर मैजेस्टी थैंक यू। ये है मेरी सास, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बस गद्दारों का साथ न थे, बागियों का साथ न थे। कमीला कोई गद्दार नहीं, वो भी आखिर इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। इज़हानस मुझे मेरा हक कब दिलवाएंगी? आपका हक है क्या? क्या चाहिए आपको? मुझे हिस्सा चाहिए। डाकू औरत दस मेरा हैरी इस वेले किस हाल चे? अल्हम्रा हाल। बकवास मत करो शाही दरबार, हैरी बहुत बुरे हाल में है, लेकिन मैं उसके इस बुरे वक्त में साथ हूँ, उसके हर कदम पर मैं उसका साथ दूंगी। मैं हैरी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं थोड़े थोड़े एडवांस पे फिल्म्स करके हैरी की जान बचाऊंगी। मैं वो सब करूंगी। मैं पैसा जमा करके उसकी जान किसी भी सूरत बचाऊंगी। मैं थूकती भी नहीं इस तुम्हारे सोने के महल पे। मैं जा रही हूँ। मैं तो हैरान हो रही हूँ, मेगन अपना हिस्सा लेने आई थी मगर चली गई खाली हाथ। हिस्सा लेना इसी देखो मैं एक गल करके कैसा काम ते लाया। हैरी बादशाह का पुत्र है, काम मैं करेगी वो वेला बह के खाएगा। We will take a short break here. Don't go anywhere. Welcome back to मस्तियाँ। कभी आपने ज़माने की हज़ारों मील लंबी तार पर लटके लफ्ज़ों पर गौर किया है कि उन लफ्ज़ों के बीच में कितने नूरी साल का फासला है? कभी आपने फितरत की खामोश झील की गहराई नापने के लिए तख़य्युल की उल्टी कलाबाजी खाई है? वो जो धार की सूरत में पर्वत से झरना गिर रहा है, उसके पीछे कौन खड़ा है? आए। और ये सब जानने के लिए हमने अपने डमी स्टूडियो में दावत दी है शोहराए आफाक शायर जॉन एलिया, और उनके साथ मौजूद हैं शाहीन आतशी, जो शेर व शायरी पर तबाज़माई करते हैं। जॉन भाई, दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। क्या कहने, बहुत खूब। वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है, चुप नहीं होता। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। हाँ। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। और करना वीना, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, और इस रम्ज का मारा हुआ जहन जो मज़दाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता। कभी मैंने तो सुना था कि ये छोटी बहर के बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन ये बड़ी बहर के बहुत छोटे शायर हैं। अच्छा, ये जॉन एलिया साहब भी नहीं लग रहे मुझे। वो है ही नहीं। ये जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। वाह, यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है किस कदर जल्द बदीद हो जाते हैं इंसान। आप मुझसे मिलने को आए हैं, रुकिए बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं, बैठे बैठ जाइए। जॉन जॉन कोई बाहर आया है, आता हूँ। जॉन जी बोलिए, आप ऐसे शेर क्या काम है? आप ऐसे शेर क्यों कहते हैं जो कभी कभी समझ नहीं आते? मैं शेर कहता नहीं, शेर निकल जाते हैं। आप लोग मेरे स्टूडियो में आए हैं, थोड़ा मुझे मौका दें, मैं आपसे बातचीत कर सकूं। जॉन, आप यंग जनरेशन, मैं यहाँ तस्दीक कर दूं, मैं जॉन से इंस्पायर हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। उन्होंने जो अशार कहे हैं आतिशी साहब, शायद ही कुर्रा अर्ज़ पे कोई शायर हो जिसने ऐसे अशार कहे हों। अच्छा, ये जब इस गेटअप में आप फिरते हैं जॉन, तो लोग तो बड़े ऑटोग्राफ्स वगैरह लेने आते होंगे, पिक्चर्स खिंचाते होंगे। मैं कहता हूँ मौत होती है, लड़कियां चीखे मार के बेहोश हो जाती हैं। इतना रश। हम कतर गए थे एक दफ़ा। अच्छा। आतिशी मेरे साथ थे। वहाँ शेख से हमारी सारी डील हो गई कि हम एक बहुत बड़ा मुशायरा करेंगे। अच्छा। ये कतर में अभी फीफा के साथ ही हमारा मुशायरा। और शेख यूँ सोने की तलवार लाया था, तेज धारी। अगर अगर इन्होंने शेर गलत सुनाया तो इसी से इनके सर काट देंगे, फिर वो मुशायरा जमा। लेकिन वहाँ से हमें भागना पड़ा कि भाई उकदा खुल चुका कि मैं जॉन हूँ ही नहीं। उकदा तो खुलना ही था। हमारे पीछे शेख और हम शेख के आगे। आतिशी साहब, वो तो चलो जॉन एलिया को कॉपी करते हैं, ये आज के दौर में शायर बनना मतलब कोई और कारोबार भी तो कर सकते थे ना आप? देखिए सही बात है। आप वैसे क्या काम करते हैं? इसी से पूछना भी आतिशी, निहारी वाला कहाँ रहता? एक बरतवा तो पापोश नगर में बिल्कुल जिंदगी रुक गई थी। अच्छा। जब मैं पहली मरतबा गुस्से में आया। ओहो, क्या क़यामत गुजरी भैया, अब मोसस आदमी है शायद। तो मेरी दुकान से प्लेटें गुम होना शुरू हो गई। ओहो भाई, वो जो गोल वाली स्टील की बड़े वाली सारी गुम होना शुरू हो गई। धड़ाधड़ गुम हो रही है, धड़ाधड़ गुम हो रही है, धड़ाधड़ गुम हो रही है। मुझे जब पता चला तो मैं फिर खड़ा हो गया। अच्छा। मैंने कहा मोहल्ले वालों, दुकानदारों, कान खोल के सुन लो, शाहीन आतिशी आपको मोहब्बत में भी कह रहा है कि मेरी जिस चीज के पास प्लेटें हैं वापस लौटा दो। किसी ने मेरी प्लेटें वापस नहीं की। आतिशी फिर अपनी आतिशी पे उतरे। क्या किया आपने? फिर मैंने शेर सुनाया, बाप बुलंद आवाज मैंने खड़ा होके कहा, क्या प्लेटें क्या घूमी मेरी दुकान की के रुत ही बदल गई। लोगों ने मेरी प्लेटों से अपने किचन सजा लिया। क्या कहने भाई, फिर यूं प्लेटें शुरू हुई हैं, वो इधर से आके लगी, कोई इधर से आके लगी, कोई यहाँ लगी, कोई वहां लगी। मेरी तो जितनी गुमोनी थी हुई, उसके साथ में 50 प्लेटें और आ गई। ये बताएं कि आपके घर वाले भी आपकी शेरो शायरी सुनते हैं? अरसा हो गया घर से निकले हुए। क्यों? इन्हीं बातों से। सोचा था पिछली ईद पे उनके दिल में रहम आ जाएगा। अच्छा। अहले मोहल्ला ने कहा चलो गलतियाँ हो जाती बच्चों से, बुलवा लो उसको अच्छी को। अच्छा। चला गया बस। ईद पढ़ने के बाद अभी मैं गले भी किसी के नहीं मिला था, वह हरकत होगी। क्या? फिर शेर हो गया। ओए होए। फिर मैं स्टेशन पे था, वो घर में थी। कितना कमा लेते हैं आप शायरी से? जहन बन रहा है। अगर आप चाहें तो शाहीन आतिशी निहारी हाउस पे वीना मालिक निहारी हाउस भी लिखा जा सकता है। नहीं, मैं निहारी की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ। साहब ये बताइए कि आपकी एक प्लेट निहारी की कितने की? आपकी आवाज से लगता है जैसे जमीर बातें कर रहे हैं। ज़मीर से बातें करनी चाहिए ना। पैसे मैं ज्यादा लेता हूँ, इतना मैं काम नहीं करता हूँ। आतिश भाई, अगर मैं आपकी दुकान पे निहारी खाने आऊँ तो मुझसे भी पैसे लेंगे आप? जी मेरे मुख्तसर बोलने वाले भाई। क्या मैं आपकी दुकान पे आऊँ आतिश भाई तो मुझे नली निहारी खिलाएंगे? देंगे, हम जरूर आपको देंगे, मगर प्लेट पे नहीं, शॉपर पे। अच्छा, ये जो आपने पहने हुए हार वगैरह, ये ओरिजिनल है कि या नकली? आवाज मर्दाना है, रूह ज़नाना है। We will take a short break here. Don't go anywhere. Welcome back to Mastiyan again. और आज हमारे प्रोग्राम में खबर क्या है ये हमें बताएंगी रुबीना। नहीं मैं तो सदके जावा माँ सदके जाए, पीटर तो नड़ा बुरश हुंदा है। तोड़ियां कुड़ियां जदियां ही होंदियां ने सरदार साहब। ये बच्ची बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मिट्टी हुई बच्ची। मिट्टी हुई बच्ची कैसी होती है भाई? किसी ना लड़ाई नहीं, किसी ना कोई झगड़ा नहीं, कोई वादा नहीं, काटा नहीं, अपनी खबर पढ़ के चुप करके बैठ। हां, शी इज सो स्वीट, व्हाई वुड शी फाइट? पता नहीं चाहिए हल्का जो तो अमरूद रख दो, टुकदी रहे। सरदार साहब को ये भी प्रॉब्लम है कि ना उसे कोई गेटअप करना पड़ता है, ना कॉमेडी करनी पड़ती है, खबर पड़े चले। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਭੂੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। खबर की तफसील। अच्छा, खबर की ये होया कि रौला। हाँ भाई, खबर ये है कि गुजरात में रिक्शा ड्राइवर साहब वन वे जा रहे थे और ट्रैफिक वार्डन ने उनको रोका और कहा कि भाई मैं आप पे 2000 का चालान काटूंगा। तो इस बात पे रिक्शा ड्राइवर को गुस्सा आ गया और तू मैं शुरू हो गई, तू मैं से बात हाथापाई तक पहुंच गई। और जाहिर बात है ट्रैफिक वार्डन से जब आप हाथापाई करेंगे तो मुकदमा तो दर्ज होगा। सरदार साहब आए दिन ये इशू जो है ना वो चलता रहता है, वार्डन का रिक्शा ड्राइवर के साथ, या वो चिंची ड्राइवर जो है। यस, बिल्कुल इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही कितना किया जाता है। अब तो किया जाता है काफी हद तक। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ट्रैफिक की रेड लाइट ऑन हुई, मैंने अपनी गाड़ी रोकी, पीछे से कितनी सारी गाड़ियाँ आके मेरी गाड़ी में लग गई। नसीब देखो ना, किसी का बंपर प्राइज लगता है, तो बंपर लग गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी में ना कमी आई है जब से ये ई चलान आया है ना, उसकी वजह से काफी हद तक कमी आई है, लेकिन घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अच्छा लो जी, ई चलान पे मेरे घर में झगड़ा हो चुका है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो जो फोटो खींच के भेजते हैं ना, यहाँ पे मैं एक बात जरूर करूंगा कि ये जो इन्होंने एक नया रूल मुतारफ कराया ना, ये CTO ने। यस, CTO ने जी। ब्रेथ लेजर तो बड़ी अच्छी चीज है कि इससे पता चल जाए कि कोई ड्रंक ड्राइवर तो नहीं आ रहा। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ये किया कि जो वन वे आएगा उस पे मुकदमा भी दर्ज होगा, उसको 2000 पे जुर्माना भी देगा। ये जरा थोड़ा सा सख्त है। नहीं, क्यों सख्त है? मुझे लगता है कि रूल्स तोड़ने की बहुत सख्त सजा होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं, अब ये देखे ना, एक बंदे पे जब मुकदमा हो गया, उसका CRO बन गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया उसका, वो बेचारा कहीं पे भी जाएगा तो उसको तो वो मसला बन जाएगा ना। यार खुदा दा वास्ता तेरा एक भी है ना जो मसला नहीं, तू किसी दी गड्डी ते आना, किसी दी गड्डी ते घर जाना है। व्हाट आई फील इज पीपल शुड बी मोर केयरफुल ऑन द रोड्स। लोग हमारे ध्यान नहीं रखते हैं ड्राइव करते हुए। एड़ा वाकया है गुजरात, एक वो अपने अजीजा जो बच्चे ने कहते केरा अजीज ते केरी गल कर रहे पे हो, आप लोगों की बात कर रहे हो। और साडी गरीब मार हो रही है बहना इथे, अजे घरों निकले वो 200 रुपए दी दिहाड़ी नहीं भरी तो 2000 दा चलान मेरे मथे। आप कौन रिक्शा ड्राइवर हैं? आप मैं रिक्शा ड्राइवर और मैं जहाज चलाना हूं। अच्छा भी है। देखा आपने किस कदर बदतमीज़ इंसान है, इसके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। बिल्कुल इनके लहजे से मुझे लग रहा है कि लड़ाई इन्होंने शुरू की। नहीं बाजी मैं बताता हूँ, मैं वहाँ फकीर हूँ, उस सिग्नल पे मैं 10 साल से बैठ रहा हूँ पिछले, और ये जो बैठा ट्रैफिक वार्डन इस बेचारे पे जुल्म किया, इसने गलत चालान काटा। तो वन वे क्यों जा रहे थे आप? साडे मुल्क जो बड़े बड़े लोगों ने यू टर्न ले ले, मैं यू टर्न नहीं लिया, सीधी जी गल है। तो यू टर्न लेना तो अच्छी बात है, अगर आप गलत जा रहे हैं गलती होगी तो यू टर्न ले लें। क्यों लगा मैं यू टर्न? मैं यू टर्न मैं नहीं लेना, मैं इमरान खान हूं। वाकई में बदतमीज इंसान, ये किस कदर बदतमीज इंसान है वीना जी, मैं आपको बता नहीं सकता। पहली बात वन वे आ रहा है, उसको मैंने रोका बड़े प्यार से, कहा मेरे भाई ये आपके बाप की रोड है, उसने कहा जी ए गल लड़ाई वाली नहीं की, मेरे बाप तक जरा पहुंचे मैं ओदी वर्दी लवा देंगा। यार तो कई साल हो गए तू अपने बाप तक नहीं पहुंचा, कोई तो पहुंचेगा नहीं। मेरे सीने वायरस मारी है, मैंने तुम्हारे सर पे मारनी थी वायरस बेटा, मैं सिर मारनी, मेरा सिर पा जाए मेनू को नुकसान हो जाए कौन जिम्मेदार है? मैं तुहानू दसा, मैं अपने रिक्शे भी अग लानी है फैमिली के सामने, मैं अपने तो पेट्रोल सुट के अग लानी है, सीधी जी गल। भाजी एक बात बताओ, इसकी मौत से इस मुल्क में इनकलाब आएगा। नहीं असल में पहले ये भाई अपने आप को आग लगा चुका है, 80% जला हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आए दिन ये लोगों की ट्रैफिक वार्डन्स के साथ बहुत ज्यादा तू तू मैं होती रहती है, वजह क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन? वीरा जी मेरी बात सुने, सुबह से लेकर रात तक हम एक सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक है, बारिश हो धूप हो सर्दी हो गर्मी हो, हमने वहीं पे खड़ा होना होता है। हम भी इंसान हैं, अगर हम थोड़ा सा हाश हो रहे हैं तो भाई आप ही समझ जाओ बात को, तो उल्टा बदतमीजी कर करके हमारे सर में दिखाएंगे तो फिर मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि ये बेचारे सुबह से लेके शाम तक हमारे लिए खड़े होते हैं। जाहिर बात है दे आर डूइंग देयर जॉब, वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो आई थिंक पब्लिक शुड बी नाइस विद देम। खास तौर पर जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो हमें चाहिए कि हम खड़े होकर इनसे सलाम लें और ये पूछें कि अगर आपने कुछ जूस पीना है कुछ पानी पीना है तो हम उनको मुहैया कर दें, कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि हो सकता है 15 मिनट लुटा के पिनिए। सबसे अच्छी बात जो है ना ये कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, तमीज़ और पेश आते हैं, अदब से पेश आते हैं। और ये जो रिक्शा ड्राइवर है इसने ना तो पढ़ा होगा कि जी रिक्शा कैसे चलाना है, लाइसेंस इसके पास नहीं होगा, तो ये इस तरह ही बात करेगा। ये जो जाहिर बात है तो बेवकूफ जो बंदा है, डर लगता है प्लग दम करा के गल च पा लिया। रिक्शा तो मुझे समझ नहीं आती, अपने रिक्शे पीछे लिखवाया जलने वाले का मुंह काला। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਮਕਾਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਦੱਸ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? आपने अपने रिक्शे के पीछे क्या लिखवाया हुआ है? हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, मैं लिखवाया हुआ है, गल जड़ी सीधी की है। एक और चीज भी इसने अपने रिक्शे के दरवाजे पे लिखा हुआ, प्लीज जरा हौली, लिखने वाली बात है। इस बंदे से पूछे ये उल्लू का पट्टा जा कहां रहा था, इसको इतनी जल्दी किस बात की थी, इस बंदे की वजह से इसका चलान हुआ है और इस बंदे की वजह से इसने मुझसे बदतमीजी की है। बताओ भाई हम कहां जा रहे थे? मैं जनाब दस ना बस मैं रिक्शे 'च बैठा हुआ तो मैं उन्हें दस्या कि यार मैं कल ही फिल्म देखी है जी नवी मौला जट आई है। अच्छा। इन्हें मेरे को पूछा स्टोरी किवें आ, मैं पहले इन्हू पुरानी फिल्म की स्टोरी सुनाई है पूरी, हाँ जी, उस तो बाद मैं नवी शुरू की स्टोरी ते ए मेरे स्टाफ तो बहुत अगे निकल गया। पूरा गुजरात घंटे की मुक जाता है, इन्हें तो 6 घंटे दी 2 फिल्मां सुनाती हैं इन्नी देर इसी जनाब ए संतरी बादशाह आ गए। अच्छा अब आप इन पे भी मुकदमा दर्ज करेंगे? बोरियत का मुकदमा दर्ज होगा जिसकी वजह से इनको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत दी जाएगी। अच्छा वैसे रिक्शा ड्राइवर से 2000 फाइन लेना तो बहुत ज्यादा पैसे है ना, लेकिन अब क्या किया जाए? 1000 इससे ले लें 1000 उससे ले लें, उसका भी तो कसूर है। नहीं जनाब मैं तो आप अपने रिश्तेदार को उधार लैंड जा रहा था। मैं जनाब तुहानू की दसा की हालात होए पैने। ओ पैना 200 रुपया मैं जे वटिया नहीं गा, 1000 रुपया मैं कितों देना, मैं 2000 रुपए दी पर्ची। तो आप डेली कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं 500-700 रुपया 800 रुपया दिहाड़ी बना लेना वा। मैं सब तो वड्डी गल करना ऐसा बहादुर ने रोकया है यार, मेरा ए खुदा वाला बात है। छड़ दे यार तू रिक्शे वाला साहब जी, मैंने तुहाडी नहीं समझ आई। चंगा भला तुसीं महाराज कथक साहब को एडा क्लासिकल सिक्ख्या। इस फील्ड च आ गई क्या बिजनेस होते ਤੁਹਾਡੀ इतनी अच्छी थटकार ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਡਾਂਸ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੇ ਹੋ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਕਥਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ इधर चले गए भाईजान मेरी बात सुने आप कर रहे हैं मजाक पूरी बात है मजाक ना करें ये बड़ा सीरियस मैटर चल रहा है इस वक्त भाई हमने खुद देखा आपको यूं डांस करते हुए वो पहले की बात है वो छोड़ चुका हूँ मैं आप इससे ट्रैफिक रोक दे बहुत सोनी करके गड़दा 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 के धिंदा तड़क धिंगदा तड़क धिंगदा तड़क वाह इतना सुना कर दे सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आप वैसे एक बात बताओ आपको आपने आखिरी वाला किरदार ठीक नहीं किया वो हल्का सा किरदार बहरहाल मैं बात कर रहा था मैं करना प्यास बकवास बंद कर लो अपनी देख लो फिर बदतमीजी मेरे नाल हो रही है अरे बेफिक्र रहा भाई तेरे खून से इनकलाब आएगा और देख लेंगे खून से अच्छा ओ किसी ना किसी तरीके ना रक्षे वाला का जनाजा कढ़ना ही कार आप उसको प्रोवोक किए जा रहे हैं अरे इसके साथ भाजी बहुत ज्यादती हो रही है आए दिन ये उसको चपेड़े मारता है इसको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाता है हमारे साथ भी बदतमीजी करता है ये है ही ऐसा मंगना मिशन पे आया जी एक गुजरात आलम लो अरसा दे मजार दे बाहर बह के मंगता है कहता जब तक मेरी जुगनी में बरकत नहीं पड़ेगी मैं यही पड़ा रहूंगा और पिछेड़ा बंदा बैठा ना वो बड़ा खुशनसीब बंदा है किवें भी ये घर पहुंचन तो पहले दे बच्चे सौ जाते क्यों वो कहते पापा ने भी आके बोर ही करना है तो नींद ही बेहतर कानून बदमाशी कर रहा है शहरियों को लूट रहा है रोज धमकी दे रहा है ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हर लड़ाई पे ना जल्दी पे तेल का काम करते हैं नहीं बाजी तेल का काम नहीं डीजल का मैं इस शख्स को उसका हक दिलवाऊंगा मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी मौत इनकलाब लाएगी तेरा खून रंग लाएगा हाँ तो रोशनी होगी और ये कितना कुछ जाल मेरे भाई बस ये बातें मैं सुनती रहती हूँ कि भाई जान की बाजी लगा देंगे आपको याद नहीं रहा बाजी तहरीर स्क्वायर भूल गई आप इतना बड़ा इनकलाब आया था एक बंदे की वजह से ये अपना रक्षा जलाएगा मैं देता हूँ साथ अरे वो पेट्रोल ला के दूंगा रक्षा और खुद जाओ और असेंबली जाके आग लगा दे देख फिर कैसा अरे वो गलत था वो कोई अपराइट आदमी नहीं है कि इनकलाब लाएगा लोग साडे मुल्क दे विच जिउंदे जी नहीं पुछदे और जदों मर जांदे ने फिर पुछदे ने तो जिउंदे जी मेरी बात ना पूछी उल्टे जख्म लगाए ने भाई तेरे बड़े बड़े दे लोकां मेरी कब्र ते फुल चढ़ाए ने और सानू ते एक झिणक ना लभी अपनी कुली साड़न नू भाई तेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगेंगी चौको चौराहों पे बेफिक्र कर रहे और मेरा नाम रोशन होगा और भाई तेनू तेल ते रिक्शा दे ते मेनू ते घर छड़ के आवे और जिस बंदे दे घर रोटी खाण लई नहीं होवेगी और जिस बच्चे दे कपड़े पाण नू नहीं होणगे ओदा किराया देण नू नहीं होएगा ओदा बिजली दा बिल भरन नहीं होएगा वो इनकलाबी बन जाएगा तेरी गल केरी सुनागा अबे रवीना ब्रेक ले ले मेरी बहन तेरी मेहरबानी मर जाएगा ब्रेक ले ले मैं मर जाना मैं मगा नहीं नहीं तू आगे बताइयो वार्डन ने अपने प्रवीण बॉबी साहब उन्होंने रिक्वेस्ट करने हैं छोटो बड़ा गरीब आदमी यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक स्टे ट्यून मस्तियाँ में एक मरतबा फिर खुशामदीद अच्छा एक सवाल वीना जी आज पूरे शो में ज़फरी खान कहाँ है ये सवाल सिर्फ आपके जहनों में नहीं है सबके जहनों में कहाँ है ज़फरी खान मैं ओदी पोपी है जानते हैं ना ज्यादा उनके दोस्ती बहुत ज्यादा होना की ज़फरी खान मौसम में होना की जा रहा है ठंड है हां जी कल अपने फॉर्म हाउस पे बनैन पा के फिरदा रहा है ठंड लुआ बैठा है अब यकीन जानिए वो शो के लिए घर से निकले हैं तैयार होके अच्छा लेकिन उन्हें टेम्परेचर था और साथ जुकाम भी था और इतनी ज्यादा उसे सर्दी लग रही थी कि पहले वो 2 घंटे गाड़ी में कंबल लेके सोए रहे हैं। सब्जियां की बददुआ लगी बेटैमियां तोड़ दे परसों ने बंद गोभी तोड़ी है अच्छा जी बंद गोभी फिर मुंह खोल कर वो बददुआ दतिया ने कूड़ा ए टाइम है मैंने तोड़न का ये टाइम तोड़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी साहब तो ठंड लगती नहीं ना हां उन्होंने तो अम्मी और ने दुआ दी कि जा वे पुत्र तेनू कभी ठंडी हवा ना लगे सरदार साहब आप भी एक हफ्ता पहले बीमार थे मैं भी बीमार हो सकना मैं आयरन मैन सियाने कहते ना नहीं आंधी ठंड को तो जांदी ठंड को बचना चाहिए बिल्कुल जब भी मौसम चेंज हो रहा होता है ना ये जो ठंड की वजह से नहीं लोग बीमार हो रहे होती भाई ठंड होती है ये ठंड की वजह से लोग बीमार नहीं हो रहे बेसिकली ये वायरस है जो कि हमें इन्फेक्ट कर रहा है और हमें चाहिए कि हम अपनी केयर करें बिल्कुल सही मास्क का इस्तेमाल करें और ये है कि आप बिला वजह बाहर ना फिरें और इसके अलावा ये काम तो पहले कर लें यखनी पिए नहीं ये तो कर लें पहले यखनी पिए नहीं यखनी खाने पीने की तो बाद में बात आती है मैं सुबह जब उठता हूँ ना पहले सबसे भाप लेता हूँ सबसे भाप ना लिया करें बहुत जर्म्स होता है सबसे पहले अच्छा भाई भी उतार के भाप लेते हैं और भाभी ने कह दी मैंने उठते भाप लिया था कि आप भाप लेंगे देखिए बिल्कुल अबू बकर ने सही बात की है। असल में सिर्फ वायरल इन्फेक्शन ही नहीं है बल्कि आबो हवा कितनी आलूदा है, कितनी पोल्यूशन है, स्मॉग कितनी ज्यादा हो चुकी है, स्मॉग कितनी ज्यादा है। अच्छा कैफी, यू डिडंट गेट सिक राइट? इवन लाला वाज सिक। मैं बीमार नहीं हुआ, मेरा पाँव टूट गया था। ओ हाँ, ये भी हुए थे बीमार बाय द वे, इनके पाँव में मोच आ गई थी, पता नहीं कहाँ डांस करने चले गए थे। सरदार साहब आप 2 दिन बीमार रहे थे? हाँ जी 2 दिन। 2 दिन अस्पताल रहे ने, 1 दिन घर रहे ने। इन्नी तुहाडी याद आई, नाल दा बैड खाली सी, मैं कहा थे वो मेरा भरा हुंदा। नहीं भाई लगने, चलो बंदा गल्ला बात टाइम लग जाता भाजी। मैं ये कह रहा हूं कि हुआ क्या था बस, हैं हुआ क्या था? ठंड लगी, मेरे घर ही पता लग जाता, मैं अस्पताल की लेने जाना था। हुआ क्या था तुझे? और अब हमारे शो का वक्त खत्म होता है, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।